पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम का उल्लंघन करने पाकिस्तानी सेना को भारी पड़ गया। उसकी 4 चौकियों को भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में तबाह कर दिया। वहीं 2 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि अनेक गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं 2 अन्य गंभीर रूप से घायल सैनिकों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इसे मिलाकर अब 4 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना ने पहली बार पाक सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की है। जम्मू कश्मीर में 5वें चरण के जिला विकास परिषद के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए। जिला अनंतनाग के वेसु काजीगुंड के मतदान केंद्रों में बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान किया। खराब मौसम के बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग मतदान करने पहुंचे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान हुआ। कोविड-19 के दिशा निर्देशों का कर्मचारियों द्वारा पालन कराया गया। वेसु और देवसार ब्लॉक में 27 उम्मीदवारों का फैसला मत पेटियों में बंद हो गया है। इंटरनेट बंद होने की वजह से छात्रों, प्रोफेशनल्स और मीडिया कर्मियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जम्मू में धर्मा ट्रस्ट एम्प्लॉइज एसोसिएशन द्वारा लगातार अपनी मांगों को लेकर जुलूस निकालकर धर्मा ट्रस्ट प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रबंधन द्वारा मंदिरों में लूट खसूट जारी है, यहाँ बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। उन्होंने इसे श्राइन बोर्ड के तहत लाने की मांग रखी। वहीं धर्मा ट्रस्ट एम्प्लॉइज एसोसिएशन को रघुनाथ मंदिर सेवा समिति का भी साथ मिला है। सेवा समिति ने उपराज्यपाल से CBI की मांग रखी है। जिला रामबन के तहसील बनिहाल में PDD के डेली वेजेस द्वारा प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि वो पिछले कई वर्षों से मांग कर रहे हैं कि उनका लंबित वेतन रिलीज किया जाए, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं उन्होंने कहा कि बिजली व्यवस्था को हम मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 200 के करीब बराइट के डेली वेजेस को पिछले 5 वर्षों से वेतन नहीं मिला। वो सभी भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। उन्होंने उपराज्यपाल से इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करने की मांग रखी। पाकिस्तान को एक बार फिर भारत की सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है। पाकिस्तान के अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून का कहना है कि खुफिया एजेंसियों को ऐसे इनपुट मिले हैं कि भारत में किसान आंदोलन से ध्यान भटकाने के लिए भारत सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक के डर से पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को अलर्ट कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नए संसद भवन के निर्माण के लिए विधिवत तौर पर भूमि पूजन किया, फिर उसकी आधारशिला रखी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, अब हम भारत के लोग मिलकर अपनी संसद के इस नए भवन को बनाएंगे। इससे सुंदर, इससे पवित्र क्या होगा? जब भारत अपनी आजादी के 75वां वर्षगांठ मनाएगा, तो उस पर्व की साक्षात प्रेरणा हमारी संसद की नई इमारत होगी। दुबई में चल रहे भारत खाद्य सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2020 के दौरान जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर आई है। अब जम्मू कश्मीर के करीब 1000 युवाओं को दुबई में रोजगार मिलेगा। इसकी जानकारी कश्मीर के हॉर्टिकल्चर विभाग के निदेशक एजाज अहमद भट्ट ने ट्वीट कर दी। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 366 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ 526 लोगों ने कोरोना वायरस को पिछले 24 घंटे में मात दी और स्वस्थ हुए। प्रदेश सरकार द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में अब तक 1775 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला जम्मू रहा, जहां कोरोना के 99 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर जम्मू संभाग की बात करें तो यहां 170 नए मामले सामने आए, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर संभाग में 196 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,14,773 हो गया है। दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों का आंदोलन जारी है। केंद्र सरकार के जो 19 पन्नों के प्रस्ताव भेजे गए थे, उन सभी प्रस्तावों को किसानों ने खारिज कर दिया है। कई दौर की केंद्र सरकार के साथ चली वार्ताओं का कोई नतीजा नहीं निकला है। वहीं किसान नेता बूटा सिंह ने कहा कि हमने 10 तारीख का अल्टीमेटम दिया था, अगर प्रधानमंत्री ने हमारी बातों को नहीं सुना और कानूनों को रद्द नहीं किया तो सारे धरने रेलवे ट्रैक पर आ जाएंगे।